अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पसंदीदा चैनल डेली एनटीएस एंड बीपीएससी जॉब्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अहम तरीन खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मुलाजमीन के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है, इसी की डिटेल दूंगा। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं डिटेल की जानब। यूनियन कौंसिल में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुलाजमीन को तहसील कौंसिल, मेट्रोपोलिटन और म्यूनसिपल कमेटीज़ में एडजस्ट किया जाएगा। हुकूमत ने सूबह भर में तैनात यूनियन कौंसिल में ड्यूटी देने वाले तमाम मुलाजमीन की मुफसल रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है कि इन मुलाजमीन को तहसील कौंसलों और मेट्रोपोलिटन और म्यूनसिपल कमेटीज़ में एडजस्ट किया जाएगा। इस ज़मन में एक परफार्मा जारी किया गया है, जिसमें यूनियन कौंसलों के सेक्रेटरीज, नायब कासद और चौकीदारों की तफसील, जिसमें इनके महकमे और इसके साथ साथ तैनाती तारीख, रिटायरमेंट की तारीख, स्केल और दीगर तफसीलात तलब की गई हैं। ज़िला कौंसलों ने बरामदी टैक्स के यूनियन कौंसलों में काम करने वाले मुलाजमीन को तहसील कौंसलों में, जबकि शहरी यूनियन कौंसलों के मुलाजमीन मेट्रोपोलिटन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ में एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस अकदाम से नए बल्दियाती निज़ाम के तहत बनने वाली पंचायत यूनियन कौंसलों और मोहल्ला कौंसलों के दफातर में मुलाजमीन की शदीद कमी होगी। ताज़ा तरीन अपडेट आपने सुनी है। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आएगी। पसंद आने पर भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।